आपके उस दिए गए अनुभव और सरकार के माध्यम से हमारे माननीय चीफ सेक्रेटरी ने आपके साथ जो समय गुजारा है, मैं धन्यवाद दूंगा। मध्यप्रदेश सरकार आपका आभार मानेगी। अनुराग जी के माध्यम से हम अपने उन प्रकार से कई मामलों में सकारात्मक और सक्रिय ऊर्जा के साथ ये मध्यप्रदेश को लाभ मिलेगा, जिसके कारण से आपने अपने मंत्रालय को चलाया और मुझे लगा कि अब हमारा भी अपना मध्यप्रदेश सरकार का मंत्रालय उस गति से चलेगा। माननीय अनुराग जी जो चीफ सेक्रेटरी बने अभी हमारे बीच केसी गुप्ता जी अपर मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन वर्तमान में पीडब्ल्यूडी के आप काम देख रहे हैं, एमडी अविनाश लवानिया जी, कमलेश कुमार पीपरी जी अध्यक्ष आईआरसी, एस के निर्मल जी महासचिव आईआरसी और मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण, इस अवसर पर आप सब बात बहुत अच्छे से और बहुत विस्तार से हो गई। भारत शासन के अंदर के काम करने के तरीकों को देखने की भी अनुराग जी ने माननीय प्रधानमंत्री से गति शक्ति अभियान से लगा करके गडकरी जी के अनुभव को भी शेयर किया है। राकेश जी ने भी अपनी बात कही है। मैं दो तीन बातें कहकर के ज्यादा लंबा न कहते हुए कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। हम जब भोपाल में बैठे हैं तो यहाँ हमारी पुरानी तकनीक पे भी गौर करने की जरूरत है। नवीन विधा की बात आती है तो प्राचीन काल पे भी ध्यान देना पड़ेगा। हमारे यहाँ डैम बनाने की एक विधा होती है, आमतौर पर कहीं भी डैम बनते हैं, भारत में बने या भारत के बाहर बने, आमतौर पर नदी की मुख्य धारा को रोक करके पानी और उसको स्टोर करके डैम बनाने की पद्धतियाँ है। आपको यहाँ से समय मिले तो आप हमारे बड़े तालाब को देखना, ये लगभग 1000 साल पहले राजा भोज के काल का बनाया हुआ तालाब है। इस तालाब की विधा है कि पानी तो आएगा लेकिन रोकने के लिए मुख्य धारा के बजाय चट्टानों का उपयोग किया गया है। चट्टानों में पानी अपने आप इकट्ठा होगा और पानी की अधिक मात्रा फिर साइड से निकालने का एक गोलार्ध तरफ का रास्ता है, वो बहुत छोटा सा है। पानी का लेवल मेंटेन वही रहेगा लेकिन कम खर्च में इतना बड़ा तालाब अगर बन जाए, और उससे बड़ी बात यह कि ये किसी भी हालत में फूटने की संभावना नहीं रहेगी क्योंकि मुख्य धारा कभी रोकी नहीं गई। ये अपने आप में नवीन तकनीक का राजा भोज के काल का 1000 साल का उदाहरण है जो हमको यह एहसास कराता है कि नवीन तकनीक से बांध कैसे बनाए जा सकते हैं। ये नवीन तकनीक तो हो गई मुख्य धारा की, लेकिन प्राचीन विधा से जोड़ करके कम खर्च में अगर बांध बनाने तो ये भोपाल का बड़ा तालाब हमारे लिए एक माइलस्टोन का काम करेगा। माननीय गडकरी जी, आपके विभाग का एक लाभ मैंने लिया है, मैं बताना चाहूंगा। ये हमारे जायसवाल जी आपके यहाँ है, आपने यहाँ हमारे बीच में इंदौर उज्जैन से एक फोर लेन निकाला था जो आगे जाकर के सुपर एक्सप्रेस वे से मिलने वाला था या दिल्ली जाने के लिए था। हमारे यहाँ पुरानी सिक्कों की एक तकनीक है, सिक्कों का अपना एक शास्त्र है। सिक्कों का शास्त्र कैसा है कि सिक्कों में जैसे राजा भोज का काल 1000 साल पहले का है, विक्रमादित्य का काल 2000 साल पहले का है, सम्राट अशोक उज्जैन में गवर्नर रहे ये 2250 साल पहले का है। हमारे यहाँ ये ऐसी लंबी परंपरा में राजाओं ने अपने सिक्के निकाले, तो सिक्कों का एक शास्त्र है कि सिक्के के एक तरफ तो जो राजा रहता था वो अपने चिन्ह कोई लगा देता था, लेकिन उसके पीछे वाली साइड में एक कॉमन चीज रहती थी जो हर बार एक जैसी रहती थी। अर्थात जैसे उदाहरण के लिए उज्जैन का सिक्का अगर 2000 साल पुराना भी होगा, सम्राट विक्रमादित्य काल का, अशोक के काल का भी होगा, 1000 साल पहले राजा भोज के काल का होगा, तो पीछे उसमें एक चौराहा जैसा चार रास्ते निकल रहे हैं, ऐसा उसका ये अर्थात पूरे देश का सेंटर पॉइंट उज्जैन है, ये उसमें बनाया हुआ है। तो या उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कोई भी देश में कहीं जाएगा तो वो उससे ही उस मार्ग से गुजरेगा, वो मार्ग की पहचान जैसा एक उसमें चिन्ह बना हुआ है। उस चिन्ह के आधार पर चूंकि हमारे यहाँ उज्जैन से आगर होकर के झालावाड़ के रास्ते से दिल्ली का एक फोर लेन आपने मंजूर किया था, मैं जायसवाल जी के पास गया, ऑफिस में बैठा, मैंने कहा भाई आपने ये मार्ग मंजूर कर दिया, टेंडर भी कर दिया, लेकिन ये लंबा पड़ेगा, इसको छोटा करो, इसको उज्जैन से घुमाओ। तो आपने उज्जैन से कैसे घूमेगा, हमने कहा आप एयर डिस्टेंस निकालो। हमने एयर डिस्टेंस निकलवा करके उसकी जो लंबाई देखी तो वो लंबाई वाकई कम निकली। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, जायसवाल जी ने प्रस्ताव बढ़ाया और आप तक मंजूर होकर के आया, बना बनाया हुआ हुआ टेंडर कैंसिल किया और नजदीक का रास्ता निकाला। तो ये जो नई तकनीक के साथ पुराने हमारे अनुभव भी है, कई सारी चीजों का जो लाभ जोड़ते हैं, ये मुझे लगता है कि सड़क की गुणवत्ता के साथ साथ इस प्रकार की भी आवश्यकता है जिससे हम अपने सरकार के दिए गए धनराशि का सदुपयोग भी करें, सही उपयोग भी करें
और वक्त के साथ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और माननीय गडकरी जी के जो मूल भाव है वाकई ये इसी प्रकार के, जैसे मैं अभी हमारे बीच में बात आ रही थी, हमारे चीफ सेक्रेटरी बता भी रहे थे कि हमारे पास सड़क, रेल मार्ग, हवाई मार्ग, इनको जोड़ करके यह भविष्य की दृष्टि से विस्तार की, विकास की जरूरत है। जैसे मैं इस बात को समझ रहा था, हमने अपनी सरकार बनने के बाद संभाग संभाग में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव चालू किए कि केवल बड़े एक ही नगर इंदौर में रोजगार के लिए बड़े कारखाने बन जाए, इससे बात नहीं बनेगी। भौगोलिक रूप से मध्य प्रदेश बहुत बड़ा है, तो हमारे लिए संभाग संभाग केंद्र पर भी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करने की जरूरत है, तो वहां के आने जाने के मार्ग भी। लेकिन इनके साथ साथ भारत सरकार किस दिशा में आगे बढ़ रही है और उसका हम लाभ कैसे ले सकते हैं, उसको जोड़ते हुए हमारे अपने भविष्य के प्लान बनाने की जरूरत है। जैसे उदाहरण के लिए, अभी तक हमारे पास इंदौर से बंबई जाने का मार्ग एक ही मार्ग था कि इंदौर से उज्जैन, उज्जैन से नागदा, नागदा से रतलाम के रास्ते से बंबई जाना रहता है। इसके अलावा बंबई जाने का रास्ता नहीं, दिल्ली जाने का भी इसी प्रकार का था। तो ये अभी हमारा आमतौर पर 18 घंटे लगते हैं या 14 घंटे से ज्यादा लगते हैं। लेकिन जब हमारे यहाँ इंडस्ट्री की बात करेंगे, विकास की बात करेंगे, अगर अभी आज दिल्ली से कोई बंबई जाना चाहता तो उसके दो मार्ग है कि दिल्ली से वो नागदा आएंगे, नागदा से रतलाम के रास्ते आगे बढ़ेंगे जो गुजरात होके जाएगा, और या तो अभी वर्तमान में ग्वालियर से होकर के भोपाल, भोपाल से इटारसी, खंडवा होके बंबई के रास्ते जाएगा। लेकिन जैसे हमारा नया रेल मार्ग जो मंजूर हुआ है, खंडवा से इंदौर की ब्रॉडगेज जो हो रही है, जो आपने फोर लेन निकाला है, जिसके माध्यम से एक रास्ता निकलेगा जिसमें 4 से 6 घंटे का हमारा सफर बचेगा और उतने ही किलोमीटर 100 से 200 किलोमीटर बचेंगे। लेकिन इंदौर मनमाड़ एक और नई रेल लाइन मंजूर हो गई, उससे तो और 3 घंटे कम होने वाले। तो आने वाले समय में दिल्ली मुंबई कॉरिडोर के लिए वापस जो वो मैंने सिक्का याद दिलाया, ये उसी प्रकार से दिल्ली मुंबई कॉरिडोर इंदौर से होकर के मुंबई दिल्ली के लिए नया बनेगा। तो भविष्य की दृष्टि से इकोनॉमिक कॉरिडोर अपन जब बनाने की बात करेंगे, तो इस प्रकार से इन कामों को लेकर के आपके यहाँ काफी अच्छे सुयोग्य इंजीनियर्स भी आए हैं, बाकी विधाओं से जुड़े लोग भी आए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज अब यहाँ, चूंकि मैं कुंभ की नगरी से आता हूँ जहाँ अमृत मंथन 12 साल में प्रत्येक बार हमारे सारे संतगण, ऋषि मुनि, महामंडलेश्वर करते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि 2 दिन आप भी अमृत मंथन करेंगे, इसमें निश्चित रूप से भारत के लिए नया एक उद्देश्य के लिए आपकी पूर्ति होगी। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सड़क मंत्रालय और नई टेक्नोलॉजी को लागू करते हुए आगे बढ़ेगा। ये बात सही है कि अभी बहुत सारी चीजों में हमने काफी प्रगति की है, लेकिन उतनी संभावना और बढ़ी हुई भी है। ये बात सही है कि हम आमतौर पर जो सड़कें बनाते थे डामर की, उसकी कठिनाइयों के बारे में गाली भी खाते थे, लेकिन काम भी करना पड़ता था, वो बड़ी बात थी। लेकिन आज बदलते समय में ये कितने प्रकार से अलग अलग नई नई तकनीक लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। अभी जो आपकी अपनी स्पीड है, मैं मध्यप्रदेश के बारे में जरूर बताना चाहूंगा कि लगभग 15.5 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से हमारे मध्यप्रदेश सरकार अपने विकास के मामले में आगे बढ़ रही है, सड़क बनाने के लिए आगे बढ़ रही है। और ये जो दूसरा आपका जो आइडिया, उस पर भी हम काम कर रहे हैं कि बना बनाए मार्ग को तो हम चौड़ा करें अपनी जगह, ठीक है, लेकिन ग्रीन फील्ड के माध्यम से एक नए रोड बनाए, उनके आधार पर जो डेवलपमेंट की आपकी कल्पना है, इस कल्पना पे हमने काफी काम किया है। तो उम्मीद करेंगे कि आपका मार्गदर्शन मिलता रहेगा। एक बार पुनः मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ मध्यप्रदेश सरकार की ओर से, और आपके सभी प्रकार के सुझाव में, मध्यप्रदेश सरकार के विकास के मामले में भी आपके सुझाव पे हम आगे बढ़ेंगे। पुनः अभिनंदन, वंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। देवियों और सज्जनों, समारोह के मुख्य अतिथि परमादरणीय केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी, हम सभी जानते हैं कि साधारण नेता नहीं, एक दूरदर्शी नेता हैं। दिवाली आ रही है, मिठाई मिलेगी, लेकिन हमारी तो होली दिवाली सब मन गई। जोरदार अभिनंदन करो माननीय गडकरी जी का, जिनके आने के पहले हमारा कानपुर भोपाल एक्सप्रेसवे 4 लेन तो मंजूर किया लगभग 6,500 करोड़ से, और आप कह रहे 25,000 करोड़ की और नई सौगात देने वाले बहुत जल्दी, तो इससे अच्छी क्या बात। हमारे लिए तो ये वाकई ये सारे त्योहार एक दिन हो गए। एक बार फिर मैं आपके माध्यम से मध्यप्रदेश सरकार की ओर से उनका आभार भी मानता हूँ, उनका प्रेम इसने सदैव इसी प्रकार से मिलता रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार अभिनंदन माननीय गडकरी जी का।